वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पर रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की, और मैं आपको अपर प्राइमरी में विज्ञान साइंस विषय की तैयारी करा रही हूँ। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसका नाम था फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। उसको हमने एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक से देखा था। तो आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर सीटेट में 2011 से 19 तक कि उस टॉपिक से फोर्स और प्रेशर, जो हमारा टॉपिक नंबर 7 था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से असंपर्क बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जिसमें जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट में आए बल लगाते हैं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल दोनों के दोनों, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सीटेट सितंबर और साथ में फरवरी दोनों में पूछा गया है 2016 में, क्योंकि सीटेट क्या करता है, क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या है? लकड़ी का गुटका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक वुड का ब्लॉक, किसी मेज पर विराम अवस्था मतलब रेस्ट फॉर्म में रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस के विषय में आप क्या कहेंगे? मतलब जो ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ है तो उस पर कौन से फोर्सेस कार्य कर रहे हैं? तो देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट स्टेट में, विराम अवस्था में किसी सरफेस पर रखा हुआ होता है तो उस पर संतुलित बलों, बैलेंस्ड फोर्स का एक युग्म कार्य करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टेबल के ऊपर बॉक्स लगा है तो एक नीचे की तरफ फोर्स कार्य कर रहा है उसके ऊपर, और एक ऊपर की तरफ फोर्स कार्य कर रहा है, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल काम करती है। इसलिए जो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी यहां पर, वो कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा सीटेट मई 2016 में पूछा गया। किसी रबर सकर को, इसके बारे में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, को यदि किसी तल पर दबाया जाता है, किसी सरफेस पर उसको दबाया जाता है तो वह उससे चिपक जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के कारण वो उस पर चिपक जाता है, क्योंकि सरफेस और उसके बीच की हवा निकल जाती है और वो दब जाता है और ऊपर का वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर कार्य करने लगता है। किस पर? सकर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा सीटेट मई 2016 में भी पूछा गया और सितंबर 2014 में भी पूछा गया। मैंने बार बार बताया है सीटेट क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। निम्न सभी असंपर्क बल हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं सिवाय, बताइए किसके? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स, जो घर्षण बल होता है ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये तभी कार्य करता है जब दो ऑब्जेक्ट, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क या कॉन्टैक्ट में आती हैं, बाकी सारे जो हैं वो हमारे असंपर्क बल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया। स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है उस पर दाब किस प्रकार कार्य करता है? प्रेशर जो होता है फ्लूड में जो हमारा द्रव होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड, उसमें किस प्रकार से काम करता है हमारा प्रेशर? देखिए, जो प्रेशर होता है पानी में वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है, ये हमने पढ़ा भी था। जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में बराबर काम करता है, किस में? द्रव में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, ये भी हमने पढ़ा था। हम वायुमंडल के भार से क्यों नहीं पिचक पाते? क्यों? कि जो हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और ये बाहर के दाब को, जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको निरस्त कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और यही कारण है कि हम वायुमंडलीय दाब से पिचकते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया। पानी के बर्तन में लोहे का एक
एक खंड ब्लॉक डाला जाता है वह तल में डूब जाता है, इसका कारण बताना है। अ ब्लॉक ऑफ आयरन जो वेसल और वाटर में ड्रॉप करा गया तो वहाँ पर सिंक कर जाता है, मतलब उसमें डूब जाता है, इसका कारण क्या कारण है, बिकॉज किस रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर आर्किमिडीज़ का सिद्धांत लगता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल, जो ब्लॉक ने जल को हटाया है उसका भार जो है ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए क्या हुआ वो ब्लॉक डूब गया। देखिए होता क्या है, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या कहता है, ये पानी है और जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरता है और जितना क्षेत्रफल उसका ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही पानी को वो हटा देता है, और जितना पानी हटाता है उसके द्वारा नीचे की तरफ से पानी के एक बल लगता है जो उस ऑब्जेक्ट को रोक कर रखता है। लेकिन जब इसने जो पानी हटाया, इस ब्लॉक ने जो विस्थापित किया जल, उसका भार जो था उसके द्वारा नीचे की तरफ से जो लगा बल था वो कम था, यही कारण था कि जो ब्लॉक का भार था वो ज़्यादा हो गया और ब्लॉक जो है पानी में डूब गया। यही ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार वो ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए किसी आयतकार रेक्टेंगुलर कंटेनर में जल से भारी कोई द्रव भरा है, मतलब लिक्विड से हैवियर, जो लिक्विड है वो वाटर से हैवियर है, डेंसर है, तो बताइए द्रव दाब मतलब लिक्विड और उस प्रेशर में निम्न में से क्या कथन सही होगा। देखिए याद रखिए जो सी पर दाब है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी पर और फिर ए पर। देखिए मैंने आपको बताया था जब किसी ऑब्जेक्ट में द्रव भरा होता है तो उसके तल पर जो दाब होता है जितना नीचे की तरफ होंगे वो दाब उतना ज़्यादा होगा और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो प्रेशर घटता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सी सबसे नीचे रखा है तो इसलिए यहाँ पर दाब जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी पर दाब होगा और सबसे कम दाब कहाँ होगा, ए पर होगा। और याद रखिए जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी हमारा ऊंचाई के साथ घटता जाता है, क्योंकि जो हवा की परतें होती हैं वो कम होती जाती है जिसकी वजह से कम प्रेशर लग पाता है। तो जो पहाड़ों पर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्थल पर। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि वहां पर दाल बनाने में ज्यादा समय लगता है पहाड़ों पर जबकि स्थल में कम समय लगेगा, क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो याद रखिए जितना नीचे होंगे, द्रव में भी ऐसा होता है, जितना तली के पास होते हैं उतना ही प्रेशर ज्यादा होता है। तो सी का प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर ये और फिर ए का सबसे कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो सीटेट फरवरी 2015 और नवंबर 2012 में पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई 6 kg द्रव्यमान मतलब मास वाला पिंड, पिंड कहेंगे एक ऑब्जेक्ट को, किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ मतलब फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 3 ms/s की एक समान चाल स्पीड से फिसल रहा है। मतलब कोई, देखिए आप अपना ही पृष्ठ मान लीजिए, अपना ही सरफेस मान लीजिए, उस पर कोई 6 kg की एक गेंद है हम मान लेते हैं, और वो क्या हो रहा है, घर्षण रहित है। अब जब घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जो गेंद 3 ms/s की स्पीड से चल रही है तो वो रुक ही नहीं सकती, तो वहाँ पर हमें कोई बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, घर्षण के कारण ही कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकता है, और जब घर्षण ही नहीं होगा तो हमें बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये पूछ रहा है इस पिंड को इसी चाल से, मतलब इसी चाल से, चाल बढ़ानी भी नहीं है, इसी चाल से 3 ms/s की चाल से ही सरल रेखा में गति करने के लिए हमें कितना बल देना होगा, तो यहाँ पर हमें 0 N का बल देना होगा, 0 N ऑप्शन नंबर सी का बल देना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बल की ज़रूरत ही नहीं है, समान गति से वो हमेशा चलता रहेगा क्योंकि वहाँ पर घर्षण है ही नहीं। ठीक है, याद रखिए ऐसे मत कर दीजिएगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन, द्रव्यमान इंटू जो हमारा त्वरण होता है, मास हमें दे दिया 6 kg, एसिलेशन हमें बता दिया 3, तो 6 × 3 = 18 मत कर देना, ये नहीं होगा, और वैसे भी ये केजी में है और ये ms/s में है, तो पहली बात तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10
जो सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, लोहे के एक ठोस आयतकार गुट के रेक्टेंगुलर ब्लॉक को किसी मेज के शीर्ष मतलब टॉप पर इसके भिन्न फलनों डिफरेंट फेसेस को मेजों के संपर्क करते हुए रखा गया है। तो जो ठोस है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वो क्या आरोपित करता है। देखिए, टेबल पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को रखा गया है और अलग अलग, जैसे ये रेक्टेंगुलर का बॉक्स है तो पहले उसे उधर के फेस से रखा, फिर इधर के फेस से रखा, फिर इधर से, इस तरह से डिफरेंट फेसेस की तरफ से इसको टेबल पर रखा गया। तो बताइए क्या होगा। देखिए, हर केस में जो बल होगा वो तो हमेशा समान होगा, क्योंकि देखिए उसका भार जो है वो बदलेगा नहीं और बल इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है, जो दाब है, वो मैटर करता है किस पर, आपके क्षेत्रफल पर। देखिए, जो रेक्टेंगल का बॉक्स है, इसका इधर वाली साइड का, जो इधर वाले फेस का क्षेत्रफल है, तो ये ज़्यादा है। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, जबकि इस वाली साइड का जो क्षेत्रफल है वो कम है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर तो अलग अलग होगा, लेकिन जो बल है, जो फोर्स है, वो समान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारा सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया। देखिए, ये क्वेश्चन पैडागॉजी का है। पैडागॉजी के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। देखिए, ये बेसिकली कह रहा है कि 4 स्टूडेंट इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक डेमो पेश किया है किस टॉपिक को समझाने के लिए, जो क्लास 8 का द्रव और गैस से रिलेटेड टॉपिक है। तो बताइए, वो अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। एक मेथड क्या यूज़ करा, श्याम पट पर जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उस पर आरेख चित्र की सहायता से जो संबंधित टॉपिक्स हैं उनको विस्तार से उनकी व्याख्यान की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया कॉन्सेप्ट का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। दूसरे में क्या किया, यूज़ ऑफ चार्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर उसने चार्ट को यूज़ किया अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तीसरे केस में क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज फॉलोड अप विद डिस्कशन, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, यही यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि साइंस कहता है करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल देता है। साइंस ये नहीं कहता लिखा लिखाया लिखवा दो, समझा दो, नहीं, साइंस कहता है बच्चों को पहले कराओ, उनको बच्चे पहले खुद करेंगे उस एक्टिविटी को, बच्चों को करके दिखाओ कि कैसे द्रव में जो होता है प्रेशर अलग होता है, ठीक है, गैस में प्रेशर, बैलून वाला उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं। तो पहले उनको समझाएंगे, उनसे करवाकर, और फिर उस पर चर्चा होगी कि उन्होंने क्या सीखा। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर सबसे सही होगा। तो पेडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। साइंस में आप ध्यान रखेंगे कि आपको याद रखना है कर सीखने पर, बच्चे एक्टिविटी करें, बच्चे खुद उसका प्रयोग करें और उसके बाद चर्चा करें, ठीक है, वो सबसे अच्छा मेथड होता है साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा टेक नवंबर 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, भारी बोझा उठाने वाला जो कुली होता है, ठीक है, वो सदैव एक अपने पास एक लंबे कपड़े का टुकड़ा रखता है। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वह इस कपड़े को गोल चक्ती की आकृति में लपेट कर सिर पर रखता है और फिर बोझ को उठाता है। तो वह ऐसा क्यों करता है, जो पोर्टर्स होते हैं, वो जो हैवी लगेज होते हैं उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर को गोल, पीस ऑफ क्लोथ को क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं, राउंड डिस्क बना लेते हैं और उसको अपने हेड पर रख लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही होगा, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड ऑफ लगेज विद देयर हेड, ताकि क्या हो जाए, वहां पर वो क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं अपने सिर पे। देखिए, सिर है तो सिर पे, यहां पे क्षेत्रफल तो कम है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, जब उसको
क्या कहते हैं कपड़े के उसको बांध लेंगे तो इससे क्या होगा, वो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा और बल कम लगाना पड़ेगा और उनके सिर पे जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा और वो आसानी से उस बोझे को उठा लेंगे। तो समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट में प्रेशर और हमारे फोर्स से पूछे गए। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।